डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजुहब बानसूर ऑनलाइन क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे लो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमने स्टडी किया था, उसकी बेसिस पे हम कुछ लॉज हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स निकाले थे उनमें अपने को फर्स्ट ये समझ में आया था कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट्स होंगे, मान लो ये मेटल सरफेस है, इसके ऊपर लाइट आ रही है, इसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, तो फर्स्ट केस तभी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं जब ये फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से इक्वल या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है, तो ही मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल ये होगा देखो कि जैसे हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से इसमें से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनकी स्पीड इंक्रीज होती है, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है फ्रीक्वेंसी का। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में हमने ये डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सेकेंड रूल हो जाएगा अपना कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो होगी फोटो इलेक्ट्रॉनों की वो इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो गई तो देखो, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता था ईवी नॉट इक्वल टू होता था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो यहाँ से देखो वी नॉट को हम लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन में ई। तो यहाँ से देखो ई तो कॉन्स्टेंट है, 1.6 × 10⁻¹⁹, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर चेंज हो रही है तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होता है, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज हो जाता है। तो सेकेंड रूल ये है कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉनों की इंक्रीज हो जाती है, जिससे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है। थर्ड था इंटेंसिटी का इफेक्ट। तो जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, जिससे जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है इट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, थर्ड रूल यही होगा, जैसे हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद है रूल नंबर फोर, ये है कि जैसे ही इस मेटल सरफेस पर, ये अपनी मेटल सरफेस है, इसके ऊपर जैसे ही सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट आएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिडिएटली एमिट्स हो जाएंगे, तो उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही लाइट आती है सूटेबल फ्रिक्वेंसी से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये है फोर्थ रूल, मतलब जैसे ही लाइट आएगी सूटेबल फ्रिक्वेंसी की तो इलेक्ट्रॉन्स तुरंत बाहर निकलेंगे, उसमें कोई टाइम डिले नहीं होगा। क्लियर है? तो कुछ फोर रूल हैं, इनको हम वन बाई वन लिखते हैं। देखो फर्स्ट रूल है, दोबारा से समझ लेते हैं इनको एक बार। तो रूल नंबर फर्स्ट है कि रूल फर्स्ट ये कहता है कि जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या उससे ज्यादा नहीं होगी तब तक मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, दैट इज रूल नंबर फर्स्ट। क्लियर है भाई? इसको आपको पीडीएफ सेंड कर दी गई है, उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जो भी है इससे रिलेटेड। क्लियर है? ओके। सेकेंड रूल ये है कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, इंसिडेंट लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉनों की है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो इंक्रीज होगी और उसकी वजह से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नोट वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? बट फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है?
ये है सेकंड रूल। रूल नंबर थर्ड है कि जैसे ही हम इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, तो इंटेंसिटी को जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी की इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज होगी, बट काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम रहेंगे, उन पे कोई चेंज नहीं होगा। दैट इज द रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर फोर्थ की अगर हम बात करें तो रूल नंबर फोर्थ ये है कि जैसे ही मेटल सरफेस पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स इमिडिएटली एमिट्स होंगे, इसमें कोई टाइम डिले नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को लिया फिर कुछ देर तक ये एनर्जी को रखता है फिर यहाँ से बाहर जाता है, ऐसा नहीं है, तुरंत एमिट्स हो जाएगा। दैट इज रूल नंबर फोर। तो ये चार रूल हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो इम्पोर्टेंट हैं। बाकी की जो आगे की स्टडी है इस चैप्टर की, इन्हीं के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे।